हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको जो इन्वर्टर पीसीबी रिपेयर करते हैं, और इन्वर्टर जो पीसीबी होता है उसके अंदर जो पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, हम उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। तो मेरा नाम एमडी खान, और जो एसी रिपेयरिंग, गैस चार्जिंग कुछ भी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। पीसीबी ख़राब है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्वर्टर हो नॉन इन्वर्टर हो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम मिलवाते हैं आपको उन शख्स से जो इन्वर्टर पीसीबी का रिपेयरिंग करते हैं, और प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि इन्वर्टर एसी और एक नॉर्मल एसी का जो पीसीबी होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। ओके, ये देखिए ये पीसीबी है डेक्कन का, और ये भाई साहब बताएंगे कि अच्छा भाई साहब ये क्या काम करता है। हीटसिंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हीटसिंक। अच्छा, ये क्या काम करता है? ये पार्ट्स को ठंडा रखता है। अच्छा, जो इसमें टोटल जो पार्ट होते हैं इसको ठंडा रखता है। ठीक है। अच्छा, खोल के तो नहीं दिखाऊंगा आपको, ऐसे ही दिखा देता हूँ मोटा मोटी। देखिए भाईजान, इसको खोलिएगा। ये देखिए लॉक होता है। देखिए ये जो पार्ट होते हैं ना, ये इसको ठंडा रखता है। ठीक है, ये हो गया आउटडोर का पीसीबी, और ये है इनडोर का। ठीक है, जो अंदर इनर होता है उसका पीसीबी है। तो ये इन्वर्टर एसी में अलग अलग होता है, आउटडोर का अलग और इनडोर का अलग। तो आप लोगों को अगर सही कराना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, और इसमें बहुत ऐसे पार्ट होते हैं जो सारा मैं आपको दिखा नहीं सकता, देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जैसा भी एसी इन्वर्टर एसी वो सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो पीसीबी का जान होता है, ये मॉड्यूल इसको बोला जाता है, और ये इतना महंगा आता है कि अगर रेट इसका सुन लिए तो कोई पीसीबी रिपेयरिंग ही नहीं करवाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा आता है। ये R22 में होता है, R22 का होता है ये मॉड्यूल जो इन्वर्टर पीसीबी का है, और इसका जो समथिंग रेट होता है लमसम 11 से 12 हज़ार रुपये खाली ये मॉड्यूल का रेट होता है, पूरा पीसीबी का नहीं, पूरा पीसीबी का नहीं बता रहा हूँ। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को समझ में आया हो कि जो इन्वर्टर पीसीबी दिखाया हूँ और उसका जो रेट बताया हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो R22 का जो डेक्कन का एसी होगा, वो खोलने से पहले एक बार पीसीबी वाले से सलाह ले ले कि इसका चार्ज क्या होता है, तभी उस पीसीबी को खोल के लाए, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है जो R22 का जो इन्वर्टर एसी है डेक्कन का। और पहले कस्टमर से सलाह ले ले कितने इतने का चार्ज होगा, फिर जाकर पीसीबी खोले, वरना आप लोग फालतू में परेशान हो जाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दिया करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में। ओके।